स्वागत है। मैं नेहा दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और एफिलिएट मार्केटर। आज के वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग स्किल में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो आज की डेट में सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे चैनल पर कमेंट किया था कि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड एक वीडियो देखनी है। इसके साथ ही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चैनल रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही कमेंट करें और नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक्स जानने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि आपको अपनी लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। जैसे आप अपने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर कोई टीम मीटिंग करते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग का ही पार्ट है। इसी तरह से आपके घर में कोई मशीन खराब हो जाती है और आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कस्टमर केयर से बात करते हैं, उसे भी हम पब्लिक स्पीकिंग की ही कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी बातचीत जो आपको कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू इंटरेक्ट और इन्फ्लुएंस करने का मौका देती है, उसे हम पब्लिक स्पीकिंग की कैटेगरी में ही रखते हैं। चाहे आप बहुत सारे लोगों के बीच प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या फिर किसी सिंगल पर्सन के साथ इंटरेक्ट करने वाले हों, आपकी बातचीत प्रॉपरली प्लान होनी चाहिए। जैसे अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपके माइंड में प्रेजेंटेशन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से पॉइंट्स को इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स की तरह रखेंगे और किन पॉइंट्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसी तरह से अगर आप किसी सिंगल पर्सन के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं या फिर क्वेरी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। जब आपको पता होगा कि आप सामने वाले से किस तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपकी बातचीत आपके फेवर में रिजल्ट देगी। पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है प्रैक्टिस। अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब किसी बड़ी जगह बोलने का मौका मिलता है तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। उनके पास एक सिंगल वर्ड नहीं होता कि वो कुछ बोल पाए, और ये सब प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है। इसलिए आज से ही आप उन सेंटेंसेस को रट लें और इतने अच्छे ढंग से बोलने की प्रैक्टिस करें जैसे आप किसी स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे हैं। इस तरह की प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको कहीं बोलने का मौका मिलेगा तो आप ऑडियंस के माइंड में मैच्योर स्पीकर की इमेज सेट कर पाएंगे। प्लानिंग और प्रैक्टिस के बाद थर्ड स्टेप में आपको अपनी ऑडियंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। आपको पता करना होगा कि आपकी ऑडियंस इंग्लिश स्पीकिंग प्रेफर करेगी या फिर हिंदी स्पीकिंग प्रेफर करेगी। आपकी ऑडियंस किस क्लास से है, सर्विस क्लास से है या फिर बिजनेस क्लास से है, क्योंकि आप किसी भी ऑडियंस के साथ तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आप उनके इनकम ग्रुप को अच्छे से जानते होंगे। इसी तरह से आपको ये भी पता करना होगा कि आपकी ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन के बीच में आप कुछ चीजें क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल्स देंगे तो वो डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट एग्जाम्पल्स सेट होंगे। इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स पर आप काम करके अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लानिंग, प्रैक्टिस और ऑडियंस के बारे में जानने के बाद फोर्थ स्टेप में आपको डिसाइड करना होगा कि आप किन टूल्स, टेम्पलेट्स और प्रॉप्स को अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप अकेले खड़े होकर बोलेंगे तो लोगों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, और यही अगर आप अपने पॉइंट्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो लोगों को सुनने में इंटरेस्ट आएगा और उनका ध्यान उस स्क्रीन की तरफ चला जाएगा, जिससे आपके कॉन्शियस होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर आप आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाकर बात करने में शाइनेस फील करते हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसी तरह से हो जाएगा। प्लानिंग, प्रैक्टिस, ऑडियंस और टूल टेम्पलेट्स पर काम करने के बाद आप अपने माइंड में एक अननोन फियर महसूस करेंगे, और वो होगा अननोन लोकेशन पर बोलने का डर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अननोन लोकेशन पर बोलने की जगह आप फैमिलियर लोकेशन पर बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आपको कोई लोकेशन चूज करने का मौका मिलता है तो आप अपनी ऐसी लोकेशन चूज करिए जहां से आप फैमिलियर हों, जैसे आपका ऑफिस, आपके घर के पास का कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ के वर्क एनवायरनमेंट, एम्बियंस और कल्चर से आप पूरी तरह से परिचित हों, क्योंकि इस स्टेप का असर प्रेजेंटेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज पर दिखने वाला है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सिक्स्थ स्टेप में आपको पावर पोज और स्माइल के साथ अपनी स्पीच को कन्वे करना होगा,
क्योंकि अच्छी से अच्छी बात को अगर आप झुके हुए शोल्डर्स और दुखी चेहरे के साथ कहेंगे तो लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, और अगर उसी बात को आप ओपन बॉडी लैंग्वेज और स्माइल के साथ कहेंगे तो आप अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और वही लोग आपके परमानेंट फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए और पावर पोज और स्माइल को प्रेजेंटेशन में मेंटेन रखने के लिए आपको 7th स्टेप में कुछ स्ट्रेस फ्री एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना होगा, जैसे बिफोर प्रेजेंटेशन 2-3 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करना, या फिर बिफोर प्रेजेंटेशन 2-3 मिनट के लिए कुछ पॉजिटिव टॉक खुद के साथ करना, जिससे आपका जोश हाई होगा और आपकी प्रेजेंटेशन पावर पैक बन जाएगी। आज के वीडियो की 8th स्टेप को फॉलो किए बिना दुनिया की कोई भी पब्लिक एक्टिविटी कंप्लीट ही नहीं हो सकती है, और वो है फीडबैक और एंगेजमेंट। आप भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग को 5-स्टार रेटिंग का बनाने के लिए वहाँ पे ऑडियंस के साथ कुछ पॉइंट्स पर ओपिनियन लेकर उसे एंगेजिंग बना सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि उनका नाम क्या है, और उसके साथ ही आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली जो आप यहाँ लेने के लिए आए थे। इसी तरह से आप अपनी स्पीच के पॉइंट्स पर भी लोगों के साथ ओपिनियन ले सकते हैं, जिससे आपको फीडबैक मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।